तो मध्य प्रदेश दौरे को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, भोपाल में लाखों कार्यकर्ताओं से संवाद का सौभाग्य मिलेगा, ये अपने ट्वीट में लिखा है। देश के लिए कार्यकर्ताओं के संकल्प को और सशक्त करेगा ये अवसर, ये भी अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है। तो पीएम मोदी का ये ट्वीट देख रहे हैं आप, भोपाल में सुबह 11:15 बजे मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में भाजपा के लाखों निष्ठावान कार्यकर्ताओं से संवाद का सौभाग्य मिलेगा और ये अवसर विकसित भारत के लिए उनके संकल्प को और सशक्त करेगा, ये अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में एक दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं, उससे पहले राजधानी में पीएम के आगमन को लेकर कई व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी भोपाल में कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, उसके साथ ही रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से 2 वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 8:35 पर दिल्ली से भोपाल के लिए रवाना होंगे, सुबह 9:50 पर वो विमान से भोपाल एयरपोर्ट पहुंचेंगे और फिर 10:15 पर भोपाल एयरपोर्ट से बरकतुल्ला विश्वविद्यालय के लिए रवाना होंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम आप देख रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से मिनट टू मिनट कार्यक्रम यहां पर होगा। दोपहर 12:30 बजे लाल परेड ग्राउंड से भोपाल एयरपोर्ट के लिए प्रधानमंत्री रवाना हो जाएंगे। तो 12:55 पर भोपाल एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए वो लौट जाएंगे। तो आपको बता दें कि पीएम मोदी मंगलवार को भोपाल के दौरे पर आ रहे हैं और उनके दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। पीएम के दौरे को लेकर गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि वैश्विक नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को भोपाल के दौरे पर आ रहे हैं, इसके लिए 40 IPS, 100 एडिशनल SP, DSP और 8,000 जवान सुरक्षा में तैनात रहेंगे। मध्य प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, चंद घंटे उनके दौरे में बाकी है। हमारे साथ प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मौजूद है। सर, कुछ घंटे बाकी है कहा जाए तो, सीधे प्रधानमंत्री विदेश दौरे के बाद दिल्ली और दिल्ली से भोपाल, तो क्या लगता है कि आपकी तैयारियाँ कितनी चाक चौबंद हैं, क्या व्यवस्थाएँ हैं उनके दौरे को लेकर? ये मध्य प्रदेश के गौरव का क्षण है, विश्व में धूम मचाने के बाद में, भारत के मान को बढ़ाने के बाद में, सम्मान को बढ़ाने के बाद हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पहला प्रदेश मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, इसलिए हम सब के लिए ये गौरव का क्षण है और बहुत पलक पावड़े बिछाकर कार्यकर्ता इंतजार कर रहा है, प्रदेश की जनता उनका इंतजार कर रही है। सुरक्षा का जिम्मा आपके डिपार्टमेंट के ऊपर है, कैसी व्यवस्थाएं, क्या कुछ व्यवस्था? चाक चौबंद है, PS अधिकारी इसमें लगाए गए हैं 40 के ऊपर, 80 से ऊपर 100 के लगभग एडिशनल SP और SDOP लगाए गए और 8,000 से अधिक पुलिस के जवान तैनात किए गए सब जगह। कोई एक आध सर कहा जा रहा है कि बारिश के कारण रूट्स पे कोई असर पड़ सकता है? नहीं नहीं, असर वाली बात नहीं है, कार्यक्रम को जब अंतिम रूप दें तब उस पर चर्चा करें। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश का डिजिटल मॉडल, संगठन मॉडल उनके सामने रखेंगे, उसके बाद ये कार्यकर्ता जो है मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं वहां पर जाएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी के इस भोपाल दौरे से ये मानकर चलिए कि ये BJP का चुनावी शंखनाद है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र नागर के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल। तो पीएम मोदी के ट्रैफिक व्यवस्था की अगर बात करें तो पीएम मोदी के दौरे को लेकर राजधानी भोपाल में पुलिस ने सुरक्षा की चौक चौबंद व्यवस्था किया है। दौरे की वजह से भोपाल में करीब 6 घंटे तक यातायात व्यवस्था में बदलाव रहेगा। बता दें कि दौरे की वजह से भारी वाहन, व्यावसायिक और अनुमति प्राप्त वाहनों का सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक बाघ सेवनिया थाने से मानसरोवर तिराहा तक और बोर्ड ऑफिस चौराहे से बाघ सेवनिया थाना तिराहे तक आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। वहीं सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक रोशनपुरा चौराहे से पुराने पुलिस कंट्रोल रूम तिराहा और भारत टॉकीज से कंट्रोल रूम तिराहे तक वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। साथ ही रोशनपुरा चौराहे से पॉलिटेक्निक, कमला पार्क, रेत घाट, VIP रोड, लाल घाटी, गांधीनगर तिराहा तक आवागमन बंद रहेगा। वहीं पॉलिटेक्निक से गांधी पार्क तिराहा तक भी आवागमन पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। उधर मिसरोद से आने वाले वाहन बाग सेवन्य तिराहे से अरविंद विहार कॉलोनी रोड का यूज कर एम्स, RRL और हबीबगंज नाका होकर जा सकेंगे।